हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल एट द रेट ट्वेंटी वन में आज की इस वीडियो में हम फीटर टेड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस का डिस्कशन करने, करने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम फीटर ट्रेड के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हेड ट्रीटमेंट से संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं तो आज का हमारा टॉपिक है हेड ट्रीटमेंट हेड ट्रीटमेंट से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है उन सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है फर्नेस के तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा वर्कशॉप में फर्नेस के तापमान को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तो इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका पायरोमीटर ठीक है अब इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे इस क्वेश्चन को किस प्रकार से और भी तरीके से पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अधिक तापमान को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा वहाँ पे भी आपका राइट right आंसर हो जाएगा पायरोटर क्योंकि पायरोमीटर जो है यह प्रयोग करता है विशेष रूप से अधिक तापमान को हाई टेम्परेचर को मापने के लिए हम पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तो फर्नेस के तापमान को मापने के लिए हम किस उपकरण का प्रयोग करेंगे तो पायरोमीटर आपका राइट right आंसर हो जाएगा ठीक इस तो इस है इसमें पहला ऑप्शन है आपका थर्मामीटर तो थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है तापमान को मापने के लिए ठीक है तो इसमें याद रखेंगे कि थर्मामीटर का प्रयोग किस लिए करते हैं तो तापमान को मापने के लिए इसके साथ ही सेकेंड नंबर ऑप्शन है बैरोमीटर तो यह प्रयोग किया जाता है वाई मंडलीय दपमान वाई, वाई दबमान के माप मापन के लिए ठीक है वायुमंडलीय दाब के मापन करने के लिए हम क्या करते हैं बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं वैसे ही स्पीडोमीटर जो है ये आपकी गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है ठीक है तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल है सबसे पहले हम जान लेते हैं कार्बोराइजिंग मटेरियल क्या होते हैं तो कार्बोराइजिंग मटेरियल उन पदार्थ को कहते हैं जिनसे जानने से हमें कार्बन उत्सर्जन होता है यानी कार्बन हमें जो है कार्बन निकलता है तो पहला है आपका ऑप्शन लकड़ी का कोयला दूसरा है पेट्रोल तीसरा है अमोनिया चौथा है मिट्टी का तेल तो यहाँ पे सॉलिड पूछा गया है इन सारे जितने भी इसमें आप आपके ऑप्शन दिए गए पेट्रोल अमोनिया गैस मिट्टी का तेल लकड़ी का कोयला इन सभी से के जलाने से हमें कार्बन का जो है कार्बन निकलता है लेकिन इसमें पूछा कि सॉलिड कार्बोनाइजिंग मटेरियल कौन सा है तो जैसा कि आपको पता है लकड़ी क्या होती है सॉलिड होती है तो इसलिए आपका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा लकड़ी का कोयला यह क्या है एक प्रकार का सॉलिड कार्बोनाइजिंग मटेरियल है तो ऑप्शन फर्स्ट सही है इसके साथ ही आप पेट्रोल हो गया तो आपका लिक्विड हो जाता है लिक्विड कार्बोनाइजिंग मटेरियल अमोनिया गैस होगी तो आपका गैस कार्बोनाइजिंग मटेरियल हो जाता लेकिन है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉलिड कार्बोराइजिंग मटेरियल के बारे में पूछा गया तो लकड़ी आपका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन हमारा उसमा उपचार के दौरान जब कार्बन घुल कर सॉलिड सोल्यूशन बनाता है तो उसे क्या कहते हैं ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा गया है तो इसको थोड़ा सा अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग क्वेश्चन है उपचार के दौरान जब कार्बन घुरका सॉलिड सोल्सर बनाता है तो उसे हम क्या कहते हैं तो याद रखिएगा उसे हम आस्टेनाइट कहते हैं तो इसका राइट आंसर होगा आस्टेनाइट ठीक है और जैसे कि यहाँ पे फेराइट है फेराइट की बात करें तो यह लोहे का शुद्ध रूप होता है ठीक है ये जितने भी ऑप्शन हैं आपके फेराइट हो गया पराइट हो गया और आश्टे, औरट आश्टेन, आश्टेन, हो गया सीमेंटाइट हो गया ये सभी क्या है आपके स्ट्रक्चर होते हैं स्टील के ठीक है तो जो आपका ये है उष्मा उपचार के दौरान जो ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जब ऑक्स्टेनाइट ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो घुल करके कार्बन के साथ में सॉलिड सोल्यूशन बनाता है तो इस आप इसका जो आप राइट आंसर हो जाएगा ऑक्टेनाइट थर्ड नंबर क्वेश्चन का है राइट आंसर ठीक है फेराइट क्या है आपका तो यह लोहे का शुद्ध रूप होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर का स्टील की नॉर्मलाइजिंग करते समय उसे कैसे ठंडा करना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट है कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ऑप्शन सेकंड है आयल में ऑप्शन थर्ड है फोर्थ एयर द्वारा और ऑप्शन फोर्थ है पानी में तो याद रखिएगा जो स्टील की नॉर्मलाइजिंग करते समय उसे हम ठंडा करने की जो विधि होती है वो होती है कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में यानी कि स्टील को हम नॉर्मलाइजिंग के बाद रूम टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं तो फोर्थ नंबर का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठीक है इसके साथ ही ऑयल की बात करें तो यह जो है आपका जो क्विंचिंग मीडिया है ठीक है और इसके बाद जो आपका फोर्स्ट ईयर है ये भी आपका क्विंचिंग मीडिया है पानी है यह भी आपका क्विंचिंग मीडिया है ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका फाइव नंबर का करा है कि हाई स्पीड स्टील के टूल के लिए हार्डनिंग तापमान कितना होता है तो याद रखिएगा हाई स्पीड स्टील के टूल के लिए हार्डनिंग तापमान जो होता है हो, वह बारह डिग्री सेल्सियस होता है तो आपका फर्स्ट आंसर है जो है इसमें सही हो जाएगा बारह डिग्री सेल्सियस ठीक है हाई स्पीड स्टील की बात करें तो इसमें मुख्य जो कंपोजिशन होता है जो इसका टंगस्टन होता है ये क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है ठीक है और ये इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें क्रोमियम टंगस्टन टंगस्टन क्रोमियम और ब्रेनेडियम होता है ठीक है हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन क्रोमियम और ब्रेनेडियम होता है टंगस्टन की मात्रा अठारह परसेंट क्रोमियम की चार परसेंट और ब्रेनेडियम की एक परसेंट होती है हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है कटिंग टूल्स को बनाने के लिए ठीक है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको याद रखेंगे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा सिक्स नंबर का लिक्विड कार्बोराइजिंग गर्म की हुई साल्ट बाथ में की जाती है कौन सा कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है तो कह रहे कि जो लिक्विड कार्बोराइजिंग है वो आपके गर्म साल्ट में की जाती है और इसमें से ऑप्शन में से कौन सा जो है वो आपका कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है तो याद रखिएगा जो सोडियम सल्फेट है यह आपका कार्बोराइजिंग साल्ट नहीं है तो आपका सोडियम सल्फेट इसमें सिक्स नंबर क्वेश्चन का राइट right आंसर है सोडियम सल्फेट इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन कराएंगे हम क्वेश्चन कराएंगे वो सारे क्वेश्चन आपके लिए किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए, लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी हमारी वीडियो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हमारा सेवन नंबर क्वेश्चन है कौन सी विधि कंपोनेंट पर स्केल फ्री सतह का निर्माण करती है तो ये भी क्वेश्चन भारी जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो उम्मीद है आपका इसका आंसर पता होगा तो याद रखिएगा जो इंडक्शन हार्डनिंग होती है यह आपकी स्केल फ्री सतह निर्माण करती है ठीक है स्केल फ्री सतह का निर्माण करती है तो याद रखेंगे सेवेंथ का जो है राइट आंसर होगा इंडक्शन हार्डनिंग सरफेस हार्डनिंग की कई विधियाँ हैं जैसे कि फ्लेम हार्डनिंग हो गया ठीक है इंडक्शन हार्डनिंग हो गया तो ये आपका इंडक्शन हार्डनिंग जो ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमें स्केल फ्री सतह का निर्माण होता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका एट नंबर का एनलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है तो एनलिंग नॉर्मलाइजिंग ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बार बार पूछता है तो क्वेश्चन आपका एट नंबर का एनलिंग के बारे में पूछ रहा है एनलिंग की जाती है किस लिए तो मशीनबिलिटी मशीनिबिलिटी में, सु, में सुधार लाने के लिए हार्डनेस बढ़ाने के लिए चुबकत्व तत्वों में सुधार लाने के लिए और या टफनेस बढ़ाने के लिए तो याद रखिएगा जो एनलिंग की जाती है वो मशीनिबिलिटी में सुधार लाने के लिए स्टील को सॉफ्ट करने के लिए की जाती है तो एनलिंग का जो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मशीनबिलिटी में सुधार लाना ठीक है एलिंग के द्वारा क्या होता है कि स्टील की स्टील जो होती है वो आपकी सॉफ्ट हो जाती है ठीक है तभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नाइन नंबर क्वेश्चन आपका हर्निंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान कितना, कि ताप कितना होता है तो याद रखिएगा हाई कार्बन स्टील ये आपसे पूछे कि स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान कितना होता है तो सात डिग्री सेल्सियस होता है आपका स्टील का लोअर क्रिटिकल तापमान तो नाइन नंबर का तीसरा जो ऑप्शन सात सौ तेईस डिग्री सेल्सियस सही हो जाएगा इसके साथ ही अगर अपर क्रिटिकल तापमान की बात करें तो आपका आठ सौ डिग्री सेल्सियस होता है ये भी आप याद रखेंगे ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हाई स्पीड स्टील या स्टील का लोअर क्रिटिकल क्रिटिकल तापमान सात सौ तेईस डिग्री सेल्सियस जबकि इसका अपर क्रिटिकल तापमान आठ सौ डिग्री सेल्सियस होता है चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपका टेन नंबर का स्टील का नॉर्मलाइजिंग का उद्देश्य क्या होता है तो अब यहाँ पे हमने से क्वेश्चन किए थे अब हम पढ़ रहे हैं नॉर्मलाइजिंग को तो नॉर्मलाइजिंग क्यों की जाती है तो स्टील के ऊपर जब हम हैमरिंग का कार्य हैमरिंग करते हैं ठीक है तो उसमें क्या होता है स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं तो उन स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं जो है नॉर्मलाइजिंग की प्रोसेस करते हैं तो टेन नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा स्ट्रेस को दूर करने के लिए स्टील की नॉर्मलाइजिंग की जाती है स्ट्रेस को दूर करने के लिए तो पहला ऑप्शन आपका सही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपका एलेवन नंबर का केस हार्डनिंग की एक विधि में स्टील पर अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है इसे क्या कहते हैं यानी कि केस हार्डनिंग की किस विधि में स्टील की स्टील पर अमोनिया गैस का जो है स्प्रे किया जाता है या अमोनिया गैस को छोड़ा जाता है तो याद रखिएगा नाइट्राइडिंग विधि में जो है केस हार्डनिंग की नाइट्राइडिंग विधि में स्टील के ऊपर अमोनिया गैस का जो छिड़काव किया जाता है या अमोनिया गैस छोड़ी जाती है तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम पूछा जाता है कि नाइट्राइडिंग प्रोसेस में किस गैस का प्रयोग करते हैं तो याद रखिए नाइट राइडिंग में अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं यही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन की किसी प्रकार के क्वेश्चन को आपको जो है आंसर देने के लिए तैयार होना है तभी आपका जो है एक एक एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगला क्वेश्चन आपका ट्वेल्व नंबर का स्टील के आस्टेनाइट स्ट्रक्चर को शीघ्र ठंडा करने पर कौन सा स्ट्रक्चर बनता है तो मैं आपको पहले बता चुका सकता हूँ सीमेंटाइट फेराइट पायराइट सीमें, मार्टिन ये सभी क्या है आपके स्टील के स्ट्रक्चर है तो कह रहा है कि अगर स्टील का आस्टेनाइट स्ट्रक्चर को हम बहुत जल्दी अगर ठंडा करते हैं तो उसे कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होता है तो उसे हमें हमारा मार्टिन स्ट्रक्चर प्राप्त होता है तो याद रखिएगा मार्टिन इसका ट्वेल्व नंबर का राइट आंसर मार्टिन साइट ठीक है स्टील के स्ट्रक्चर को तेजी आस्टेनाइट स्ट्रक्चर को अगर हम तेज़ी से ठंडा करते हैं तो वहाँ पर हम मार्टिन स्ट्रक्चर मिलता है हमें चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका थर्ट नंबर का कह रहा है कि स्टील को अपर क्रिटिकल तापमान से लगभग चालीस डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान पर गर्म करके कमरे के तापमान पर स्थिर हवा में ठंडा करने वाली विधि को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा स्टील के अपर क्रिटिकल तापमान से अगर हमें चालीस डिग्री अधिक अधिक सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं टेम्परिंग कहते हैं ठीक है स्टील को ये सीधा सा याद रखेगा हार्डिंग करने के बाद स्टील में क्या होते हैं ब्रिटेनेस बढ़कर गुड़ बढ़ जाता है ठीक है तो बिटेलेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं टेम्परिंग करते हैं तो टेम्परिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा हार्डनिंग की बात करें तो स्टील का गर्म किया जाता है ताकि उसमें हार्डनेस का गुण बढ़ सकते हुआ मज, और भी अधिक मजबूत हो सके ठीक है लिंक की जाती है ताकि उसकी सॉफ्टनेस बढ़ बढ़ सके और नॉर्मलाइजिंग की जाती है ग्रेन साइज को रिफाइन करने के लिए ठीक है यह स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए तो ये सभी आपके ही ट्रीटमेंट प्रोसेस है आप इन सभी को याद रखेंगे चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका फोटीन नंबर का हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट्स के टेम्परिंग करने का उद्देश्य क्या है तो स्टील को हार्ड करने के बाद हम उसे टेम्पर भी करते हैं और टेम्पर करने के लिए हम उसे कई प्रकार से ऑयल में जो है पानी में हम उसको क्या करते हैं डुबोते हैं उसे ठंडा करते हैं ठीक है तो याद रखिएगा हार्ड करने के बाद स्टील को टेम्परिंग किया जाता है ताकि उसकी टफनेस को बढ़ाया जा सके तो टफनेस इसका फोटीन नंबर का राइट आंसर है टफनेस ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टीन नंबर का लो कार्बन स्टील की सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को क्या कहते हैं तो लो कार्बन स्टील पर कार्बन की सरफेस कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने को हम कार्बोनाइजिंग कहते हैं ठीक है तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद रखिएगा कि कार्बोनाइजिंग करते हैं उसे हम जब लो कार्बन स्टील की सर्फेस पर कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं तो ठीक है और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका सेक्ट्री नंबर का किस स्टील का अपर और लोअर क्रिटिकल तापमान एक समान होता है तो याद रखिएगा यूक्टिकटाइड स्टील का अपर और लोअर क्रिटिकल तापमान एक समान होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्टील का जो अपर क्रिटिकल तापमान होता है वो आठ डिग्री सेल्सियस और लोअर क्रिटिकल तापमान जो होता है वो सात डिग्री सेल्सियस होता है लेकिन यूक्रिक टाइट एक ऐसी स्टील है जिसका लोअर और अपर क्रिटिकल एक समान होता है ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका सेवेंटीन नंबर का लोहे के साथ कार्बन के रासायनिक मिश्रण को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा लोहे के साथ जब कार्बन को मिलाया जाता है तो उसे हम सीमेंट टाइट कहते हैं ठीक है तो सीमेंट टाइट आपका सेवेंटीन नंबर का राइट आंसर है सीमेंट टाइट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एटीन नंबर का काप की स्ट्रिप किसके कारण हार्ड हो जाती है तो याद रखिएगा जो कापर के मेटल होते हैं उस उसके ऊपर अगर हम हैमरिंग करते हैं लगातार तो इससे वो क्या होते हैं जो है हार्ड हो जाते हैं तो कोल्ड हैमरिंग के या कोल्ड वर्किंग के द्वारा यहाँ क्या होते हैं जो है कापर की स्ट्रिप जो होती है हार्ड हो जाती है ये आपका राइट आंसर है अगले क्वेश्चन की कितने पढ़ते तो हैं नाइनटीन नंबर क्वेश्चन आपका समस्त स्टील क्रिटिकल रेंज से ऊपर किस अवस्था में होते हैं तो जो स्टील होते हैं अगर उनको हम क्रिटिकल रेंज से उसके ऊपर उसको गर्म करते हैं तो आपके ऑस्ट्रेनाइट में परिवर्तित हो जाते हैं तो ऑस्ट्रेनाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है इस वीडियो में जितने भी हमने क्वेश्चन ऐड किए हैं वो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक देखे रहिए देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे और डी के लिए हमने एक स्पेशल सीरीज चलाई है जिस सीरीज का नाम है सौ दिन की सिलेक्शन वाली क्लास अगर अगर आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उस सीरीज को जरूर देख के जाइएगा डेफिनेटली वहाँ से आपको क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल हेल्पफुल मिलेंगे और काफ़ी जो है आपको अच्छा एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे ठीक है तो क्योंकि उस वीडियो में जितने भी हमने उस सीरीज में जितने भी हमने क्वेश्चन शामिल किए हैं वो आपके निमि के बुक से है थे क्वेश्चन हमने लिए हैं और कुछ क्वेश्चन आपके फिटा टेट के अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस क्वेश्चन का डिस्कशन हमने उस सीरीज में किया है तो जो सीरीज़ है आप लोगों के लिए किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए मोर देन सफिशियंट है ठीक है एक बार उस सीरीज़ को जरूर देख के जाइएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका ट्वेंटी नंबर का सीमेंटाइट कैसा स्ट्रक्चर है तो जो सीमेंटाइट होता है यह हार्ड और ब्रिटल होता है यानी कि कठोर और भंगूर होता है तो ट्वेंटी नंबर का राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्वेंटी वन नंबर का लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है तो मैं आपको पहले भी बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि लोहे का जो शुद्ध रूप होता है वो आपका फेराइट होता है तो फेराइट इसका राइट आंसर है ठीक है चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ट्वेंटी नंबर सॉरी एक सेकेंड प्लीज ट्वेंटी नंबर हो गया ट्वेंटी टू नंबर ठीक है अगला क्वेश्चन आपका स्टील को ठंडा करने की दर क्या होती है तो स्टील को जो है एक सौ अस्सी डिग्री प्रति सेकेंड के हिसाब से हमें उसे क्या करते हैं ठंडा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थे ट्वेंटी थ्री नंबर का हीट ट्रीटमेंट के कितने स्टेज होते हैं तो हीट ट्रीटमेंट के तीन स्टेज होते हैं हीटिंग सोकिंग और क्विजिंग ठीक है याद रखिएगा हीट ट्रीटमेंट के कितने स्टेज होते हैं तो तीन हीटिंग ठीक है सोकिंग और क्विंजिंग तो हीटिंग तो होता है कि जैसे हम स्टील को क्या करते हैं गर्म करते हैं ठीक है अलग अलग स्टील को अलग अलग जो है उसका टेम्परेचर होता है हीटिंग टेम्परेचर और हीटिंग के बाद हो गया और सोकिंग सोकिंग क्या होता है कि जब स्टील को गर्म किया जाता है तो उसे जो है उस तापमान पर कुछ समय के लिए रखा जाता है उसे हम सोकिंग कहते हैं और क्विंचिंग क्या होता है तो क्विंचिंग क्या होता है कि स्टील को हार्ड करने के बाद उसमें जो मिटेल्स का गुड़ हो जाता है उसको दूर करने के लिए हम क्विंचिंग करते हैं और क्विंचिंग के लिए हम अलग अलग प्रकार के पदार्थ का यूज़ करते हैं जैसे कि ब्राइन सोल्यूशन और ऑयल कंप्रेस्ड एयर और आपका पानी ठीक है तो ये आपके ये आपके क्विंचिंग मीडिया होते हैं क्विचिंग मीडिया की बात करें तो सबसे अधिक जो तीव्र गति से ठंडा करते है आपका ब्राइन सोल्यूशन होता है तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम पूछता है कि कौन सा क्विंचिंग मीडिया सबसे तेज गति से जाप को ठंडा करता है तो याद रखिएगा ब्राइन सोल्यूशन जो है सबसे तेज़ गति से के साथ में जाप को ठंडा करता है और सबसे धीरे कौन करता है तो हवा या कंप्रेस्ड एयर जो होती है आपकी सबसे धीरे ठंडा करती है एक क्वेश्चन और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा क्विंचिंग मीडिया का प्रयोग करने पर हार्डनिंग के समय बुलबुले नहीं बनते हैं तो याद रखिएगा क्विंचिंग जो आपका ब्राइन सॉल्यूशन है इसका प्रयोग करते समय हार्डनिंग के समय हमें बुलबुले नहीं बनते हैं जाप में ठीक है तो ये आपको याद रखना है कि हीट ट्रीटमेंट कितने स्टेज हैं तीन हीटिंग सोकिंग और क्विंचिंग तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम पूछ सकते हैं तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको देने के लिए रेडी रहना है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका ट्वेंटी फोर नंबर का टूल स्टील के सतह की हार्डनिंग के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है तो याद रखिएगा टूल स्टील की सतह की हार्डनिंग करने के लिए हम इंडक्शन हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं और इंडक्शन हार्डनिंग के द्वारा जो है हमें स्केल फ्री सतह का भी निर्माण होता है तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप इसको याद रखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव नंबर क्वेश्चन आपका हाई स्पीड स्टील को किस तापमान पर टेम्पर किया जाता है तो हमने पहले वाले क्वेश्चन या सेकंड वाले क्वेश्चन हमने ये देखा था कि हाई स्पीड स्टील को कम गर्म करने के लिए बारह सौ पचास डिग्री सेल्सियस क्या होती है जरूरत होती है ठीक है अब यहाँ पे आप टेम्परिंग की बात की गई है तो याद रखिएगा हाई स्पीड स्टील को टेम्पर करने के लिए जो है साढ़े छः सौ से लेकर सात सौ डिग्री सेल्सियस से तक पान की जरूरत होती है और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हार्डिंग जो हाई स्पीड स्टील है इसके कटिंग टूल बनाए जाते हैं और इसकी कंपोजिशन होती है टंगस्टन क्रोमियम और वेंडियम होती है टंगस्टन अठारह परसेंट क्रोमियम चार परसेंट और वेंडियम एक परसेंट ठीक है ये होता है इसमें तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है तो एग्जाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन क्वेश्चन पूछें आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चन को जो है आंसर करने के लिए रेडी रहना है ठीक है क्योंकि एग्जामिनर कोई भी एक्सक्यूज आपका नहीं एक्सेप्ट करेगा कि आपने तैयारी नहीं की आपके पास समय नहीं था आपके पास कंटेंट नहीं था या वगैरह वगैरह कोई भी एक्सक्यूज आप एग्जामिनर के सामने नहीं बता सकते ठीक है तो इसलिए बेहतर है कि जितना भी आपके पास कंटेंट है जितना भी आपके पास समय है उन सारे समय और सारे कंटेंट को मिला करके अच्छी प्रकार से तैयारी की जाए ठीक है तभी आपकी जो सिलेक्शन है सुनिश्चित हो पाएगा तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक बार मैं आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर चैनल पर पहली बार अपडेट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियो है उसका अपडेट आपको मिलता रहे आज की इस वीडियो में इतना ही मिलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद